बड़ी घटना को अंजाम देने वाला एक ऐसा पुल जहां पर लगातार घटनाओं का सिलसिला जारी रहा करता था, यहां तक कि अगर एक वाहन रुक जाए बीच पुल पर तो पूरे लगभग 4 घंटों तक जाम लगा रहता था। ऐसे पुल का उद्घाटन आज आखिर में सीधी सिंगरौली राष्ट्रीय राजमार्ग को, जो बीच में कई दिनों से ऐसा नवीन पुल बनने को तैयार या फिर उसका उद्घाटन को लेकर के जो चर्चा थी, आज वो साकार हो गया। हम आज आपको ले चलेंगे सीधी सिंगरौली राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 39 पर स्थित गोपत पुल की, जहां पर बरसों से निर्माणाधीन थी और अब जाकर बन गई है। जी हां, सीधी और सीधी के बात अगर जब होती है तो सिंगरौली जुड़ा हुआ जिला ही है, जिसको लेकर के ये बातें आती हैं कि सीधी सिंगरौली की जो ये रोड है, बीच में गोपत पुल की वजह से लोगों का आना जाना सही तरीके से नहीं हो पाता, यहां तक कि बाइक वाले भी कभी कभार गिर जाते हैं। वहीं अगर देखा जाए तो बगल में ही ये भी चीजें देखी जाती थी कि अगर कोई इस पार से गुजर रहा है तो उस पार वाला व्यक्ति इंतजार करते बैठा रहता था। सीधी और सिंगरौली के बीच का सफर अब और भी आसान और सुविधाजनक होने जा रहा है, क्योंकि बहु प्रतीक्षित गोपत पुल का निर्माण कार्य अब पूरा हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पुल से पूरी जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी और उसके उद्घाटन से होने के फायदे में कि आखिर में उसके उद्घाटन के बारे में क्या कैसी पूरी घटना रही। सीधी और सिंगरौली को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 39 पर गोपत नदी पर बना यह पुल अब पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। यह पुल 320 मीटर लंबा और 21.50 मीटर ऊंचा है और इसे लगभग 10 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से तैयार किया गया है। इसके उद्घाटन का शुभ अवसर जो है शुक्रवार यानी कि आज जब मध्य प्रदेश के उपस्थित उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल सुबह 11:30 बजे इस पुल का उद्घाटन किया, उसके साथ राज्य मंत्री राधा सिंह भी मौजूद रही। जहां की गोपत पुल का निर्माण एक महत्वपूर्ण परियोजना थी, इस पुल को बनाने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन इंजीनियरों और मजदूरों की कड़ी मेहनत से इसे समय पर पूरा किया गया। इसकी ऊंचाई 21.50 मीटर है, जो कि नदी में आने वाले संभावित बाढ़ से भी सुरक्षित रखती है। यह पुल सीधी और सिंगरौली के बीच यात्रा करने वाले लोगों के लिए एक वरदान साबित होने जा रहा है, खासकर उन लोगों के लिए जो नियमित रूप से इस मार्ग को सफर करते हैं। इस पुल के निर्माण से पहले यात्री पुराने पुल से होकर के गुजरते थे, जो कि काफी संकरा था और वहीं प्रतिदिन ट्रैफिक जाम की समस्या रहती थी। खासकर बड़े वाहनों के कारण यात्रियों को घंटों तक इंतजार करना पड़ता था। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए नए पुल का निर्माण शुरू किया गया, जिससे न केवल यातायात सुगम होना बल्कि सही समय पर लोग भी पहुंच पाएंगे और बल्कि समय का भी बचत होगा। गोपत पुल के बन जाने से अब सीधी से सिंगरौली की यात्रा में लगभग 1.4 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। इसका सीधा फायदा यात्रियों को मिलेगा, क्योंकि अब उन्हें पुराने पुल पर लगने वाले जाम से राहत मिलेगी। इसके अलावा यात्रा का समय भी आधे घंटे से ज्यादा कम हो जाएगा। यह पुल सिर्फ समय की बचत नहीं करेगा बल्कि यात्रियों के लिए सुरक्षा और सुविधा को भी सुनिश्चित करेगा। स्थानीय लोग और यात्री इस पुल पर निर्माण से बेहद खुश हैं। कई लोगों का कहना है कि यह पुल उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बना देगा। पहले हमें ट्रैफिक जाम के कारण काफी जो है समय पर मशक्कत करनी पड़ती थी और कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब इस नए पुल से हमारी यात्रा काफी आसान हो गई है। इस पुल पर उद्घाटन प्रदेश की विकास योजनाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सरकार ने इस क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए और भी परियोजनाओं पर काम करना शुरू कर दिया है। आने वाले समय में यह क्षेत्र और भी विकसित होगा और इससे सीधी सिंगरौली की कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। तो दोस्तों, यह था गोपत पुल के निर्माण की पूरी कहानी। यह एक पुल नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है सीधी और सिंगरौली जिले के लिए। दोनों जिलों के बीच की जो दूरी है वो कम हो गई, केवल भौगोलिक रूप से कम करेगा बल्कि लोगों के लिए दिलों को भी ये जोड़ देगा। इस पुल से पुल के उद्घाटन के साथ हम अब एक नई यात्रा की शुरुआत देखेंगे, जो विकास और प्रगति की ओर बढ़ रही है। लगातार बने रहें तरंग 24 न्यूज पर। देखिए ये बयान, आखिर में क्या कहना है, पूरी रिपोर्ट। सर, सीपीसी बोर्ड में जो भी पकड़े 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 पकड़े
जितने आदिवासी को लिया है उनको मैं मुख्यमंत्री जी को और आपको पत्र लिखूंगा कि उनसे इसको मत करना। मेरे कैमरा काम नहीं कर रहा है, कुछ पुल का उद्घाटन होगा, रोड कब तक हो जाएगा? रोड का हमारी कोशिश होगी कि आने वाले 6-7 महीने मुख्यमंत्री जी के हाथों। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे अरे, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है क्या? आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है? तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको दिलाएंगे 200 रुपए वर्ग फीट से लेकर 2000 रुपए वर्ग फीट तक, आपको या इससे भी ज्यादा। आपको मिलेगा 6 रूम और 6 फीट की गैलरी का प्लाट मात्र 5 लाख रुपए में या इससे भी सस्ता। रही बात जमीन की, तो डरिए मत, कोई भी विवाद नहीं, कोई भी झगड़ालू जमीन नहीं। आपको मिलेगा एक ऐसा प्लाट जिस पर होगा आपका राज। आइए आपको जल्द जमीन दिलाते हैं, तो संपर्क करिए सीधी में आवासी प्लाट या खेती करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए। तो सीधी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल्द संपर्क करें 94-24-59-88-78।